लंच किड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ओशन और आज हम लोग द फन डे हैट को 90 सेकंड्स के अंदर समराइज करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चा जो ये कहानी है ना, ये कहानी है ईयर 2157 की, जिसके अंदर टॉमी और मार्ची नाम के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनको मिलती है एक पुराने जमाने की किताब जो कि ओल्ड है, येलो है, उसके पेजेस पे रिंकल्स पड़े हुए हैं। उस किताब में पुराने टाइम के स्कूल के बारे में बता रखा है कि कैसे बच्चे सारे के सारे एक साथ पढ़ते थे, एक टीचर से पढ़ते थे वहीं। और टॉमी और मार्ची को एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है और उनके जमाने में टेलीबुक्स यानी कि ई बुक्स होती है। मार्ची जो है किसी स्कूल में जाने के बजाय अपने ही घर में पढ़ती है, अपने बेडरूम के बगल में। उसे अपने ये स्कूल का सिस्टम ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उसका जो रोबोटिक टीचर है वो एक टाइम पे खराब भी हो जाता है। उसे ज्योग्राफी की थोड़े हायर लेवल के टेस्ट भी देने लगता है, जिसकी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि उस मशीन को ठीक करने के लिए एक बंदे को बुलाया जाता है जो कि टीचर को ठीक भी कर देता है। अब मार्ची को ये चीज ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है, कि उसे अपना होमवर्क जो है स्पेशली एक स्पेसिफिक जगह में इंसर्ट करना पड़ता है। वही वो जब उस किताब पुराने जमाने की किताब को पढ़ती है, उसमें पुराने टाइम के स्कूल्स के बारे में जानती है, तो उसे बड़ा शौक लगता है कि कैसे वो सारे के सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे, उन्हें कितना मजा आता होगा क्योंकि सारे के सारे बच्चे एक दूसरे की मदद करते होंगे। वही उसी टाइम पे मार्ची के स्कूल का टाइम होता है, उसकी मम्मी उसे घर बुला लेती है, उसका रोबोटिक टीचर जो है उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है। बट उसके दिमाग में क्या चल रहा था, द फन द पीपल यूज टू हैव जब उनके जमाने के स्कूल होते थे, यानी आपके टाइम के, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको भी बहुत ज्यादा फन आया होगा, आपने ये सेशन एंजॉय करा होगा, और कराए तो जल्दी से वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिएगा।